हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं आलू परवर की सब्ज़ी, तो चलिए बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ सबसे पहले एक पाव परवर ले लिया है और एक किलो के लगभग आलू ले लिए हैं, तीन मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं, हरी मिर्च लिए हैं 7 से 8, लहसुन की कलियाँ ले लिए हैं 8 से 9 पीस। तो सभी को काट लेते हैं। अच्छी तरीके से काट लेने के बाद देखिए, मैंने यहाँ सारा कुछ काट लिया है। चलिए अब बनाते हैं। तो मैंने एक कढ़ाई रख दिया है और उसमें मैंने तेल डाल दिया है सब्ज़ी बनाने के अकॉर्डिंग। उसमें हम ज़ीरे से तड़के लगाएंगे। और फिर उसमें सारे परवर डाल देंगे। ये पानी में मैंने कुछ देर रख दिया था फ्रेंड्स, इसलिए ये ऐसा है। इसको पानी से तुरंत निकाल कर आप छान लें, वरना ये तेल में डालने के बाद बहुत चिपकेगा, तो इसलिए मैंने इसको कवर कर दिया है। पानी अभी भी है, तो जब पानी थोड़ा सूख जाएगा तो ये ऑटोमेटिक फ्राई होना स्टार्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। पानी की वजह से ये फ्राई नहीं हो पा रहा फ्रेंड्स। अभी इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। इसी के बीच हम यहाँ पे आलूओं को डाल देंगे, कटे हुए जो आलू धुल के रखे थे हमने। आलू के साथ भी इसको फ्राई करना है, तो ये ऑलमोस्ट पकते पकते सेम हो जाते हैं, पहले से ही ज़्यादा फ्राई नहीं करना। चला लेते हैं अच्छे से इसे। कढ़ाई मेरी थोड़ी छोटी पड़ गई है फ्रेंड्स, मैं उसमें फिर भी मैनेज करूँगी। जब ये फ्राई हो जाएगा तो ये सही हो जाएगा। उसको कवर कर दिए हैं और देखिए, मैंने कुछ देर बाद उसको खोला है और ये थोड़ा फ्राई भी हो गया है और सब्ज़ी का मात्रा भी कम हो गया है। तो जैसे जैसे ये फ्राई होगा वैसे ये अब कम होता जाएगा। तो कुछ फ्राई होने के बाद मैंने यहाँ पे सारे प्याज डाल दिए हैं कटे हुए, क्योंकि साथ में उसको भी फ्राई करना है। फ्रेंड्स, ये देसी स्टाइल में हम लोग की आलू परवर की भजिया है, हम लोग ऐसे ही बनाते हैं और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अब मैंने यहाँ पे कटे हुए लहसुन भी डाल दिए हैं प्याज के कुछ फ्राई हो जाने के बाद। अब हम लोग को लहसुन भी फ्राई करना है साथ में फ्रेंड्स। और आप बीच बीच में इसको चलाते रहें जिससे ये जले ना। यह सब्ज़ी आधे घंटे के अंदर अंदर बन जाता है। यहाँ पर मैं नमक डालना भूल गई थी, तो मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार। चला लेते हैं उसको भी, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम पर ही आप इसको पकाएं फ्रेंड्स। तो अभी मैं लास्ट में इसमें हल्दी डाल दूंगी 1/4 चम्मच, और इसमें मैं कटी हरी मिर्च भी डाल दूंगी। पहले इसको नहीं डाल सकती क्योंकि पहले करेंगे तो ये जल जाएगा, इसलिए मैंने पक गए हैं सब्ज़ियाँ फिर उसके बाद ही डाला है। सभी चीज़ों को मिक्स कर लें फ्रेंड्स और उसके बाद 5 मिनट के लिए छोड़ दें और भी अच्छे से ये फ्राई हो जाए। फिर उसके बाद मैंने काली मिर्च डाला है 1/4 चम्मच, और 1/2 चम्मच ज़ीरा पाउडर, और 1/2 चम्मच से भी कम है रेड चिली पाउडर। सभी चीज़ों को मिक्स कर लें और ये मेरा फाइनल स्टेज है। इसके बाद 5 मिनट और पकाने के बाद जब ये सब्ज़ी और भी क्रंची हो जाए देन गैस को ऑफ कर देना है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, बनके तैयार है मेरा आलू परवर का भुजिया। तो बना के जल्दी बताइएगा कमेंट्स में कैसा बना है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट रेसिपी में फ्रेंड्स।